हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर। चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कर लेते हैं और साथ में द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे, पेपर रीडिंग भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो शिफ्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बताना क्या यहाँ पे क्या आंसर होगा ये बताना। वन ऑफ, अब बताना ऑफ क्या काम कर रहा है। तो सर ऑफ दो काम करता है, कौन सा? एक सिलेक्शन का और दूसरा पोसेशन का, ठीक है। जब भी ऑफ सिलेक्शन का काम करे तो ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा हमेशा क्या रहेगा? प्लुरल। अब ये क्यों रहेगा सो समझ लो। ऑफ का मतलब होता है कितना में से, सिलेक्शन जब करोगे तो कितना में से, कितना सेलेक्ट कर रहे हो। तो बताओ जब भी सेलेक्ट करेंगे तो कितना में से कम दो में से। तो दो में से जब भी सेलेक्ट करेंगे तो कम से कम दो होगा, तो यहाँ पे जो भी होगा प्लुरल हो जाएगा। चाहे नाउन हो वो प्लुरल हो जाएगा, चाहे प्रोनाउन हो वो प्लुरल हो जाएगा। कितना कर रहे हो तो एक करो, दो करो, जो कर जितना करना है, लेकिन यहाँ पे तो प्लुरल देना पड़ेगा ना, क्योंकि कम से कम दो होगा तभी तो सेलेक्ट कर पाओगे। अगर दो कलम है तो बोलेंगे भाई ये अब सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करोगे या ये, तो दो को रहेगा तब ना। अगर एक ही है बोलेंगे सेलेक्ट करना है तो कभी सेलेक्ट कर पाओगे? बोलेंगे नहीं, कभी भी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक ही है तो सेलेक्ट करना क्या, ठीक है। तो देखिए ऑफ के बाद जब भी सिलेक्शन का काम करे तो क्या होता है, कितना में से, मतलब कम से कम दो होना चाहिए। इसका मतलब इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा हमेशा प्लुरल होगा। अब देखते हैं यहाँ पे द आठ की लगा हुआ है तो 100% नाउन आएगा। कौन सा वर्ड नाउन हो जाएगा? नाउन तो खोजना पड़ेगा, लास्ट वाला वर्ड कौन है? यही है, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन। अब यही क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। अब ये क्या हो गए? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। भाव से कोई लेना देना नहीं है? तो बोलेंगे नहीं सर, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को भाव से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यही ना सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सब्जेक्ट है उसका वर्ब क्या है? इज है। अब देख लो बिहाइंड प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? वी फॉर नाउन प्रोनाउन, ठीक है। तो क्या यहाँ पे वी फॉर है? नहीं, प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या हो जाएगा? नाउन। और नाउन को हमेशा खोजना पड़ेगा। क्यों यही वर्ड नाउन होगा? क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। लास्ट वाला वर्ड खोजना है, बहुत सारे वीडियो में कर। अब इज है, इज कौन सा वर्ब है सर? बी वर्ब है। कौन सा वर्ब? बी वर्ब। बी वर्ब के बाद क्या आता है? तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, और क्या आता है? बी थ्री या बी फोर, ठीक है। यही आता है ना, कभी भी बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, सेकेंड फॉर्म नहीं आता, और एडवर्ब नहीं आता, ठीक है। और इसी पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो द लगा हुआ है तो 100% नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा वर्ड नाउन होगा? एक वर्ड, एक दो वर्ड, यही लास्ट वर्ड है। तो ये नाउन, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इज द इम्प्रोपर वे ऑफ, ऑफ के बाद देखो फिर वी फोर है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या हो जाएगा? नाउन। कौन सा वर्ड? लास्ट वाला। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इतना बात आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्या सीखने को मिला? ऑफ दो काम, सिलेक्शन और पोसेसर। पोसेसन का केस में जैसे राम्स पेन होता है ना, राम का कलम। अब इस कलम पर किसका अधिकार है? राम का। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, द पेन ऑफ राम। क्या लिखोगे? द पेन ऑफ राम, ठीक है। तो ये हो गया पोसेशन। चलिए क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ क्या है। देखो चलिए क्वेश्चन जब भी देखे तो रोक लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, और फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो सम के साथ इज भी होता है, और सम के साथ आर भी होता है, ठीक है। सम के साथ क्या होगा? इज भी होगा। सम के साथ क्या होगा? आर भी होगा। सम के साथ इज मतलब सिंगुलर वर्ब कब होगा? इज मतलब समझना, सिंगुलर वर्ब कब होगा? जब अनकाउंटेबल के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? काउंट, अनकाउंटेबल के लिए। सम के लिए आर मतलब प्लुरल वर्ब कब होगा? जब ये प्लुरल के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? प्लुरल के लिए। अब देखो यहाँ पे ऑफ द इशू, अब देखो इशू प्लुरल है ना, प्लुरल के लिए आया तो सम के साथ क्या हो जाएगा? आर मतलब वर्ब ले लेगा, सम क्या? प्लुरल ले लेगा। अब देखो ऑफ द इशू, अब बताओ ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब से लेना देना है? तो बोलेंगे सर बिल्कुल वर्ब से लेना देना नहीं है। तो सम ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आया किसके लिए? इश्यूज के लिए, मतलब प्लुरल के लिए आया। तो सम के साथ वर्ब होगा क्या? प्लुरल। अगर ऐसे रहता सम ऑफ द
तो क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं या वर्ब सिंगुलर लिखते हैं या हैज लिखते हैं, ठीक है, जो भी हो। ठीक, अब देखो डिस्कस पे चर्चा करेंगे। डिस्कस क्या होगा आपका, वी टू वी थ्री और क्या होगा एडजेक्टिव, क्या होगा वी टू वी थ्री एडजेक्टिव। ठीक है, अब बताइए क्या होगा, अगर सर वी टू बनाते वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का, ऑब्जेक्ट ले लेता, ऑब्जेक्ट तो नहीं लिया है। वी थ्री ना हैव वर्ब है पहले ना बी वर्ब है, तो वी थ्री ना होगा तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव। देखो ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब ना बन पाया एडजेक्टिव। अब ये सब्जेक्ट तो 100% वर्ब लेगी, ऑन ऑन के बाद देखो वी फॉर नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। सर इसको ना ये क्यों नहीं बना दिए, तो भैया ये एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब, नाउ ए डेज, कब, तो आज हाल फिलहाल, अब आजकल में। अब ये सम के लिए ही ना हैज आया है, जो कि हैज ना होके क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लुरल के लिए आ रहा है, प्लुरल के लिए आएगा तो प्लुरल वर्ब लेगा, अगर अनकाउंटेबल के लिए आता तो हैज लेता या सिंगुलर वर्ब लेता। ठीक है, हैज, अब हैज के बाद क्या होता है, वी थ्री या नाउन, सर वी थ्री नहीं तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन, तो लास्ट वाला, तो ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू, टू के बाद क्या है, द, तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन, तो लास्ट वाला, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो हाँ ये क्लियर हो गया होगा, ये भी डिस्कस क्या, वी टू वी थ्री एडजेक्टिव, हैज नहीं हैव क्यों आया, हैव के बाद क्या होता है वी थ्री नाउन प्रोनाउन, सब चीज क्लियर हो गया। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। चलिए दो क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए। चलिए द आर्टिकल तो नाउन, कहाँ पे नाउन है भाई, तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव। चलिए बताइए प्रेफर्ड क्या होगा, वी टू वी थ्री एडजेक्टिव क्या होगा, तो सर वी टू होगा क्योंकि ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, अब यहाँ पे प्रोनाउन है नहीं तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन, तो लास्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा ऑरेंज जूस। अब देखो प्रेफर के साथ हमेशा टू यूज करते हैं, ठीक है, देन यूज नहीं करते। अब कौन कौन से वर्ड है जिसके साथ टू यूज करोगे, जैसे सीनियर टू, प्रायर टू, लिख लेना अच्छे से, प्रायर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, इंफेरियर टू, इंटीरियर टू, ठीक है, एक्सटेरियर टू, ये सब के साथ क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे, टू हॉट कॉफी। अब वो गेस्ट जो है प्रेफर क्या कर रहा है, तो ऑरेंज जूस प्रेफर हॉट कॉफी और चिल्ड ग्रेप्स नहीं। ठीक है, अब ये इनवाइटेड क्या है, तो सर एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल में जो नाउन आएगा, जिस नाउन के लिए आएगा वो, ठीक है, एडजेक्टिव, वो क्या होगा, तो सर रिसीवर होगा। ठीक है, रिसीवर होगा मतलब कि किस में मीनिंग देगा, पैसिव में मीनिंग देगा, मतलब क्या, इनवाइट करेगा नहीं, इनवाइट किया हुआ गेस्ट, क्या हो जाएगा, इनवाइट किया हुआ गेस्ट। चलिए अगला, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, द आर्टिकल तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। देखो कौन सा डिग्री है, तो सर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तो पहले क्या लगाते हैं, द, सुपरलेटिव डिग्री में कहाँ पे द नहीं लगता, तो सर पोसेशन के केस में, जैसे माई द बेस्ट फ्रेंड होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड होगा, राम्स द बेस्ट फ्रेंड, ये भी गलत हो जाएगा, क्या होगा, राम राम्स फ्रेंड हो जाएगा, राम बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, द नहीं लगाना, तो पोसेशन में द ना लगाएंगे। अब यही सब्जेक्ट बन जाएगा टू, टू के बाद क्या आता है, तो वी वन, ट्रांजिटिव नेचर होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, अब प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो है नहीं तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड नाउन, तो लास्ट वाला, क्योंकि आगे वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब ये बे है तो क्या लिखेंगे, इज। अब देखो यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो वर्ब क्या लोगे, सिंगुलर लोगे, इसको तो वर्ब से लेना देना नहीं है। ठीक है, इज थ्रू प्रीपोजिशन है तो क्या आया, वी फोर। ठीक है, डूइंग व्हाट, तो थिंक, ये नाउन हो गया, विथ डेडिकेशन एंड सिप्रे, विथ के बाद भी नाउन आया, और दो नाउन को जोड़ना है, किससे जोड़ोगे, एंड से जोड़ेंगे, एंड का प्रॉपर्टी अच्छे से जान लीजिए, या तो दो निगेटिव वर्ड को जोड़ेगा या दो पॉजिटिव वर्ड को जोड़ेगा, यहाँ पे क्या है, दो पॉजिटिव वर्ड है, तो दोनों पॉजिटिव वर्ड को क्या कर दिया, जोड़ दिया, इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड हु, अब बताओ ये हु आया किसके लिए है,
तो सर रिलेटिव प्रोनाउन तो बगल वाले के लिए आता है, ठीक बगल वाले के लिए। ऐसे भ्रम में मत रहना कि ठीक बगल वाले के लिए आता है, ठीक है। आपको ये मोस्टली ठीक बगल वाले के लिए आता है, लेकिन 10% चांस है कि वो नहीं हो सकता। तो इसको पढ़ो, हु हैव बीन पेइंग, क्या वर्ड पे कर रहा है क्या पैसा? नहीं। तो कौन पे कर रहा है? तो थॉमस पे कर रहा है, ठीक है। ठीक है, कौन पे कर रहा है? थॉमस के लिए है। तो हैव बीन ना हो के क्या हो जाएगा? सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा? हैज बीन पेइंग बैक व्हाट? तो द आर्टिकल तो 100% नाउन कहाँ पे है? अब पेइंग बैक ट्रांजिटिव नेचर है, फ्रेजल वर्ब है, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे तो आर्टिकल है तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड? खोजो नाउन। तो लास्ट वाला तो एडजेक्टिव, कौन सा है ये एडजेक्टिव? है तो पास्ट पार्टिसिपल। तो ये क्या हो जाएगा? रिसीवर मतलब बोरोड किया हुआ मनी, मतलब लिया हुआ पैसा, इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। इनके बाद क्या आ गया? नाउन। चलिए कुछ पेपर रीडिंग कर लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लेंथ बड़ा ना हो। द आर्टिकल तो नाउन। अब बताओ ये पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट? तो बोलेंगे बिल्कुल सब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट रहता तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होता सर, इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव होता, सॉरी 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 सॉरी, ट्रांजिटिव वर्ब होता, फिर पोजीशन होता, वो तो नहीं है। हुच, अब हुच है आया किसके लिए? पोर्टल के लिए। अब सब्जेक्टिव केस है, 100% क्या ले लेगा? वर्ब ले लेगा। अब ये सब्जेक्टिव केस, जो भी सब्जेक्टिव केस हो, सब्जेक्ट हो, 100% वर्ब लेगा। अब ये भी अपना क्या लेगा? वर्ब लेगा, सब्जेक्टिव केस है, ट्रांजिटिव नेचर है, तो ऑब्जेक्ट ले लिया। हुच ऑपरेशनलाइज मतलब अब शुरू करता है किसको? द। अब देखो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। आर्टिकल है तो 100% नाउन। नाउन खोजिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे नाउन है। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऑपरेशनलाइज द पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। मतलब जो पोर्टल जो है ऑपरे शुरू करता है कौन? पीएम इंटरनल स्कीम। ऑफ, ऑफ के बाद देखो आर्टिकल तो नाउन खोजिए कहाँ पे है, नाउन यहाँ पे। ये जो भी एडजेक्टिव आएगा किसके लिए आएगा? नाउन के लिए। याद रखना नाउन से पहले हजारों एडजेक्टिव, लेकिन जो भी एडजेक्टिव होगा वो सब नाउन के लिए। ऑफ ए फाइव स्कीम पैकेज। अब ये फाइव स्कीम पैकेज का, अब देखो यहाँ पे फाइव लगा हो तो सर स्कीम में एस क्यू नहीं लगा। तो देखो स्कीम का पोजीशन क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी प्लुरल नहीं हो गया। बताइए डिजाइन क्या है? वी टू वी थ्री एडजेक्टिव। तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव है, वी टू रहता तो ऑब्जेक्ट ले लेता, डिजाइन करना क्या डिजाइन करना, वी थ्री रहता तो हैव वर्ब भी वर्ब लेता, नहीं। टू एस पॉर, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मतलब बढ़ाने के लिए क्या, ठीक है। तो जॉब बढ़ाने के लिए, जॉब पार्ट क्रिएशन, ठीक है। एंड इम्पार्ट, अब एंड देखो एंड के बाद वी वन है, तो बताइए इधर कहाँ पे वी वन है? तो सर एस पॉर है, तो ये दोनों को क्या कर देगा? जोड़ देगा। इम्पार्ट मतलब बांटना, स्किल देना, ठीक है। टू इतना करोड़ यूथ, 4.1 करोड़ टू ओवर 5 ईयर, ठीक है, 5 सालों, लगभग 5 साल तक, ठीक है। अब देखो यही पोर्टल के लिए ना आएगा बिल, क्योंकि ये तो अपना वर्ब ले लिया, ठीक है, सब्जेक्टिव केस था। ये क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव हो गया। इधर सारा क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। तो बिल, अब बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैच, ट्रांजिटिव नेचर है, तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो नाउन। बिल मैच कंपनी, कंपनी बिलिंग क्या हो जाएगा? क्या ये वर्ब है, क्या ये जेरंड है, और क्या ये एडजेक्टिव है? तो देखो वर्ब रहता तो ई जा रहा है, मुआजबेर होता नहीं है, जेरंड है। तो इससे देखो, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब? नहीं। क्या इससे पहले प्रीपोजिशन? नहीं। क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव? नहीं। क्या इससे पहले नाउन का पोसेसन? नाउन पे नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये अगर सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, अगर मान लो ये सब्जेक्ट बनेगा तो आपको कहीं पे भी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये पांच कंडीशन होते हैं जेरंड के, याद रखिए, पांचों फुलफिल नहीं कर रहा, ना वर्ब है ना जेरंड, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा एडजेक्टिव? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मीनिंग किस में देता है? तो सर एक्टिव में देता है। किस में देता है? विलिंग, ठीक है, एक्टिव में देता है, तो जो कि इच्छा कर रहा है। अच्छा, इसको आप क्या बना सकते, वर्ब बना सकते हैं? तो बिल्कुल सर, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के हुच आर विलिंग, हुच आ जाएगा कंपनी के लिए, और यहाँ पे हुच सब्जेक्टिव केस है, आर दे दिए, अब वर्ब बन जाएगा, बिलिंग क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा, हुच आर बिलिंग टू ऑफर, टू ऑफर करने के लिए, ईयर लॉन्ग ऑन द, ठीक है, द जॉब ट्रेनिंग स्ट्रिंग,
ठीक है, अवधि, विथ, यंग पीपुल, स्ट्राइविंग, फिर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसको वर्ब बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं सर, रिलेटिव प्रोनाउन से क्या लगा दोगे, हु आर, पीपुल के लिए क्या आता है, हु आर स्ट्राइविंग, मतलब कि जो प्रयास कर रहे थे, टू फाइंड, फाइंड ए जॉब। अब देखो टू के बाद क्या आता है, वी वर नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो है नहीं, तो सर ये क्या नाउन नहीं है, तो देखो अगर नाउन रहता तो ये आर्टिकल यहाँ होना चाहिए, हो तो है नहीं, टू फाइंड प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, जॉब। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। ए पार्ट फ्रॉम के अलावे, अब फ्रॉम के बाद क्या है, वी फोर आया सर, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कर सकते, एडजेक्टिव नहीं कर सकते, बउआ अगर एडजेक्टिव कर देते तो ये यहाँ पे होना चाहिए था, द, वो तो है नहीं, इसका मतलब ये वी फोर है, जेरंड है, ट्रांजिटिव नेचर है, तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। फ्रॉम ब्रिजिंग द गैप, इसके अलावा गैप को कम करने के अलावा, बिटवीन द एजुकेशन, ठीक है, प्रोवाइडेड बता दो, बी टू बी थ्री, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव होगा क्योंकि वी टू रहता तो ऑब्जेक्ट ले लेता, टू ए स्टूडेंट एंड द रियल वर्ल्ड, याद रखना बिटवीन का पेयर किसके साथ है, एंड रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल स्किल, डिजाइन बाई, अब बाई से पहले होता है क्या, वी थ्री, और दो काम करता है, एडजेक्टिव बनना, वर्ब बनना, वर्ब कब बनेगा, जब इससे पहले हैव वर्ब हो या बी वर्ब हो, वो तो है नहीं, तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल, किस में मीनिंग देगा, तो पैसिव में मीनिंग देगा, ठीक है, पैसिव में, बाई इम्प्लॉय, वेल नोन, ठीक है, बाई इम्प्लॉय, यहाँ तक है, कॉमा हो गया, वेल नोन फॉर्म, ठीक है, फॉर्म मतलब कंपनी, वुड, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब वुड का मतलब यहाँ पे ये मत समझना पास्ट की बात है, कोई चीज पास्ट में नहीं चल रहा, जो आप पास्ट समझ लेंगे, पर वुड मतलब होगा लेस पॉसिबिलिटी, क्या होगा, लेस पॉसिबिलिटी, वुड ऑफर सम, ट्रांजिटिव नेचर है, तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, सम फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन, मतलब कुछ सर्टिफिकेट दे देगा, एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप, जब इंटर्नशिप समाप्त हो जाएगा तो दे देगा सर्टिफिकेट, प्रोवाइडिंग, फिर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्या, कंफर्ट, कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, टू, और टू के बाद कौन जो, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ठीक है, रिव्यूइंग, ठीक है, एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एम्प्लॉयर जो कि रिव्यू कर रहे हैं कैंडिडेट फॉर द जॉब, मतलब जो भी ढूंढ रहे हैं कैंडिडेट उस जॉब के लिए, उसके लिए मदद करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।